हेलो फ्रेंड्स, आयशाज टेस्टी खजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आयशा। आज मैं आपके लिए कबाब बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। वाकई में ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनके तैयार होती है। वैसे तो बिरयानी हम हर तरह की नॉनवेज, वेज नॉनवेज बिरयानी बनाते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कबाब बिरयानी बनाएंगे तो बनाने में भी आसान और खाने में वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस बकरीद पे आने वाली जो बकरीद है, इस पे आप कबाब को भी बना के स्टोर कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसे आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ज़रूर बनाइए इस बकरीद पे कबाब से बिरयानी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है और इस चावल को धो लिया है। इसमें हम पानी डालेंगे। वैसे अमूमन हम 2 कप चावल है तो 4 कप पानी डालते हैं, लेकिन हम ढेर सारा यहाँ पे पानी डालेंगे और इसे हम कुक करेंगे। यहाँ मैं सेला चावल से चावल बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ। तो चलिए इसे गैस पे रखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने गैस पे रख दिया है और इसे हमें 100% कुक करना है। अगर आप नॉर्मली चावल से बनाते हैं तो उसे आप 80 से 90% कुक कीजिए, लेकिन अगर सेला चावल है तो उसे 100% कुक कीजिए। तो अब हम इसे छान लेते हैं। चावल पूरी तरह से कुक हो चुका है, तो छन्नी के नीचे भी मैंने एक बर्तन रखा हुआ है ताकि पानी उसी में जाए। और बहुत ध्यान से हम इसे डाल रहे हैं क्योंकि चावल जो है बहुत गर्म है, तो इसे डाल देते हैं चावल को। और इसे ज़रूरी है कि 100% ही कुक करें आप। थोड़ा सा हम कलर डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है अगर चावल में कलर हो, कलरफुल बिरयानी हो तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हो या फिर कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप इस तरह से कलरफुल बिरयानी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा कलर डाल के हम 1/4 हिस्से चावल के 1/4 हिस्से में हमने कलर को अच्छे से लगा दिया है और इसे ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए 1/4 हिस्से में हमने लगाया है और इसे ऐसे ही रख देंगे ढक के। और तब तक हम कबाब को बनाते हैं, कबाब मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पीसेस ले लिए हैं कबाब के और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। आप ज़रूर इस बकरीद पे बनाइए, बना के स्टोर कर लीजिए। बाद में आप जब चाहें तो ऐसे ही तल के भी खा सकते हैं या फिर बिरयानी बना के ज़रूर खाइएगा। तो ये देखिए, मैंने कबाब को कट करके तैयार कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया, इसे डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ के, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा घी ले लिया है हमने, पैन में घी से हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। बस हम इसे डेकोरेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो इसे हम डायरेक्ट लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और ध्यान रखेंगे कि फ्लेम जो है उसे मीडियम रखें, हमारे ड्राई फ्रूट जलने नहीं चाहिए। जैसे ये कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे हमारे ड्राई फ्रूट, ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इसे एक बर्तन में निकाल के अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सरसों का तेल। मोस्टली नॉनवेज जो है सरसों के तेल में बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें हमें प्याज को फ्राई करना है। तो हमारा पैन पहले से ही गर्म था तो जल्दी से तेल गर्म हो गया। प्याज को डाल दिया लगातार चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया है इसे। अब मैं इसे निकाल दूंगी, इसी स्टेज पे हमें निकालना है। ज़्यादा इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ी देर में ये और भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा कलर में। तो इसे हम निकाल लेते हैं पहले और इसी में हम मसाला तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है, आप देख रहे हैं कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए अब इसमें मसाला हम डाल लेते हैं। तो 1 तेज़पत्ता है यहाँ पे, इसे डाल देते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे ज़ीरा है, इसे डाल देते हैं। 1 चक्री फूल है, 4-5 छोटी इलायची डाल देंगे। और थोड़ा सा ही यहाँ पे जायफल का टुकड़ा है, उसे डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। और ये देखिए 1/4 हिस्सा यहाँ पे काली मिर्च है, इसे डाल देते हैं। 4-5 लौंग उसे डाल देते हैं। आधा जावित्री का है टुकड़ा, उसे डाल दिया। और 1 इंच का हमने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। ये सारे खड़े मसाले ज़रूर से डालें, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 से 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे, ऐसे ही भून लेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद ये देखिए अभी जो हमने फ्राई किया था प्याज, उसे डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने बचा लिया डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे 8-10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च, इसका मैंने पेस्ट बना के पहले ही तैयार कर लिया है। तो इसे भी डाल देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ, 1/2 कप से थोड़ी सी कम है, 1 कटोरी यहाँ पे दही डाल दिया मैंने। स्वादानुसार हम यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप ध्यान रखें कि 1 चम्मच हमने चावल में भी नमक डाल के उसे कुक किया था,
और कबाब में भी नमक है, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा मसालों में नमक डाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से कुक हों, अच्छे से भून जाएं। मसाले अच्छे से भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है और तब तक हम मसालों को भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो ये देखिए हमारे मसालों से तेल अलग हो गए हैं, आप देख रहे हैं कलर बहुत अच्छा है, मसाले हमारे परफेक्ट भून चुके हैं। इसी स्टेज पे हमने यहाँ पे कबाब को डाल देना है और कबाब को भी हम 2 से 3 मिनट तक लगातार इसे हम भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ध्यान रखेंगे मसाले हमारे बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 चम्मच, यहाँ पे 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने सौंफ पाउडर डाल दिए है और इसे हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे मसालों के साथ। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले और जो कबाब हैं वो अच्छे से कबाब मसालों को एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए हम इसमें पानी डाल के, 1 कटोरी मैंने पानी डाल दिया, इसे ढक के 10 मिनट तक मैं इसे पका लूंगी। फ्लेम को हम लो रखेंगे और ये देखिए आप देख रहे हैं कबाब का कलर मसालों से बहुत अच्छा, मसालों से कबाब जो है, कबाब ने मसालों को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर लिया है, आप देख रहे हैं। तो अब हमारा जो कबाब है वो तो तैयार हो गया है, इसे हम दम लगाएंगे। तो एक कढ़ाई ले लिया मैंने, नीचे तली में थोड़ा सा घी लगा दिया है और ये देखिए चावल जो हमने कलर लगा के छोड़ रखा था उसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से, चम्मच से मिला लेंगे ताकि अब ये बिल्कुल भी कलर एक दूसरे पे नहीं लगेगा। तो चलिए इसे हम यहाँ पे दम लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने बहुत ज़्यादा बिरयानी, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, सिर्फ 4 कबाब है और 2 कप चावल है। तो यहाँ पे मैंने आधा चावल डाल दिया है, थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल दिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद जो कबाब है उसमें से आधा कबाब हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ये देखिए आधा कबाब डालने के बाद जो बाकी बचा हुआ चावल है वो सारे चावल हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। हमें इसे दम लगाना है, उसके बाद बाकी बचा हुआ जो कबाब है उसे भी डाल देते हैं। ये देखिए उसे कबाब भी डाल देते हैं। उसके बाद जो हमने प्याज बचा रखी थी, थोड़ा सा ये देखिए फ्राई किया हुआ प्याज डाल दिया है। उसके बाद ये देखिए काजू बादाम भी डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसे ढक देंगे और 8 से 10 मिनट तक हमें इसे दम लगाना है। तो गैस पे फ्लेम को हम लो रखेंगे। तो ये देखिए हमने दम लगा के यहाँ पे तैयार कर रखा है बिरयानी को, आप देख रहे हैं कलर बहुत अच्छा आया है, मैं सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप भी बनाएं इस बकरीद पे, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।